आधर्म प्रेमी हूं जय वाल्मीकि। बहुत जल्द वाल्मीकि प्रगट दिवस आने वाला है और वाल्मीकि प्रगट दिवस से पहले हम लोग अपने अपने घरों में अखंड प्रकाश करते हैं। ये एक परंपरा जो आदि धर्म समाज ने पूरी कौम को दी है, ये उस अदब के साथ अपनी उस परमेश्वर के प्रति आस्था, अपनी श्रद्धा, अपनी अकीदत पेश करने का और उसके साथ जुड़ने का। क्योंकि हम जो कुछ वाल्मीकि प्रगट दिवस पे कर रहे थे वो सारा कुछ या दिखावा था या हमारी मौज मस्ती थी, इन दो से बाहर नहीं थे हम, दिखावे और मौज मस्ती से बाहर नहीं थे कहीं भी। उस ईश्वर के साथ जुड़ नहीं रहे थे, उसको यहां हृदय से मान भी नहीं रहे थे। हृदय तक हम पहुंचते नहीं थे, हमारे तो यहां दिमाग में खौफ भरा हुआ है जिनका, देवियों का, गुगा चौहान का, बालकनाथ का, और बड़ी मजारें बन गई हैं आसपास। हम तो उस खौफ उसको मानते थे उसको, और वो भी खौफ से। फिर आदर्श ने उस परमेश्वर से जिसके हाथ में कलम है, कलम ही होनी चाहिए मैं सोचता हूं जहां तक, कि किसी मसले को जो तलवार से हल करे वो ईश्वर तो नहीं हो सकता। वो जो मार्ग ना दिखाए, जो गुरु का रोल अदा ना करे, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ना ले आए, वो गुरु नहीं, और जो गुरु जैसी जिसके पास ताकत ना हो वो ईश्वर नहीं। तो उस परमेश्वर जिसके हाथ में कलम है, जिसका नाम हमारे साथ सदियों से जुड़ा है, हमने उसके साथ दिल और दिमाग से जुड़ने का एक रास्ता निकाला है कि अपने बच्चों के जन्मदिन की तैयारियां कई महीने पहले करते हैं, शादियों की तैयारी कई महीने पहले करते हैं, प्रगट दिवस जब वाल्मीकि प्रगट दिवस आता है तो मोहल्ले की कमेटी हमें बताती है, जब कोई चंदा मांगने आ जाता है, कि वाल्मीकि प्रगट दिवस आ गया। तो अपनी दिल दिमाग से, अपनी रूह से अकीदत पेश करने के लिए, जुड़ने के लिए हमने एक रास्ता तैयार किया जिसको कहते अखंड प्रकाश। हालांकि उसके हमने पोस्टर जारी कर दिए हैं, जारी किए हैं, मगर मैं आज बोलने इसलिए आया हूं कि हमारे यूरोप में पैदा हुए बच्चे शायद मेरी भाषा समझ तो लें मगर इसको नहीं पढ़ पाएंगे। इसमें वो फोटो देखेंगे, परमात्मा का चित्र है, ठीक है, आदि पावन सत्य है, ठीक है, मगर सारा नहीं जान पाएंगे। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है आपके लिए,
आपकी सुविधा के लिए, हालांकि मैं थोड़ा सा इसमें लेट हूँ, बहुत सारी मसरूफियात है, बहुत जगह बिजी रहते हैं, किताबों पे भी काम चल रहा है और दूसरी भागदौड़ भी चलती है, तो थोड़ा सा लेट हो गए 44 दिन की अखंड प्रकाश वाल्मीकि प्रगट दिवस से 44 डे पहले। अलग अलग है, एक ये पक्का नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कोई वहम नहीं है कि मैंने कितने दिन पहले लगा। 44 डे पहले मैक्सिमम हम उसको शुरुआत करते हैं, मगर उसकी डेट निकल गई है, 7 अमृत यानी 7 सितंबर। अब डेट दूसरी भी निकल गई हमारे पास, 40 दिन पहले रखा जाता है, वो थी 11 सितंबर यानी 11 अमृत। अब हमारे पास डेट आ रही है कुछ दिनों बाद 34 दिन की अखंड ज्योत रखने के लिए। हम 44 दिन पहले, 44 डेज पहले, 40 डे पहले, 34 डे पहले, 24 डे पहले, 14 डे पहले, 7 डे पहले और 4 डे पहले, 4 डे 7 डे 14 24 34 डे पहले हम अखंड प्रकाश कर सकते हैं। तो उसके अलग अलग डेट हैं। वाल्मीकि प्रगट दिवस 20 आस्था यानी 20 अक्टूबर का है, 20 को बीच में रख के आप भी गिन सकते हैं पीछे की डेट। 4 दिन पहले रखना है तो 17 बनेगी और 7 दिन पहले रखना 14 बनेगी, तो ऐसे अलग अलग डेटें हैं। और अभी जो डेट आ रही वो 17 है, 17 को हम 34 दिन पहले की अखंड प्रकाश कर सकते हैं, और जिन्होंने 24 दिन पहले करना है वो 27 तारीख उनके लिए, 27 सितंबर है उनके लिए, और जिन लोगों ने 14 दिन पहले करना वो अगले महीने आस्था में जाएंगे यानी अक्टूबर की 7 तारीख को अखंड प्रकाश कर सकेंगे। और इसमें कुछ बातें कही गई हैं, कुछ शंकाएं खत्म की गई हैं और कुछ नियम हैं। नियम ये है कि आप अपने घर को साफ सुथरा रखें करेंगे, जैसे कली करवा लेते हैं, रंग रोगन लोग करना होता है जिनको, अपने घर को साफ सुथरा करेंगे और घर को भी, अपने मन और तन को भी, यानी उतने दिन मीट अंडा शराब कुछ भी, कोई भी कैसा भी रिश्तेदार आ जाए घर में नहीं बनेगा। और जिस कमरे में अखंड प्रकाश करेंगे, ज्योत लगाएंगे, उस कमरे में कोई शूज पहन के नहीं जाएगा उस कमरे में, बाकी घर में आप कर रह सकते हैं। और चाहे वो कोई रिश्तेदार भी आया हो, वो भी किसी तरह का धूम्रपान भी पूरे घर में धूम्रपान भी बाहर जाके भी नहीं करेगा, ये जितना हो सके करना है। कोई ये ना सोचे कि ठीक है घर में अखंड प्रकाश है, मैं बाहर जाके सिगरेट पी लूं, अपने आप को तो रहेगा ना एहसास कि मुझे उसी अखंड प्रकाश के पास जाना है। और अखंड प्रकाश में कुछ शंकाएं खत्म कर रहा हूं। लोग पूछते हैं देसी घी से लगाएं, शुद्ध घी से, या किसी तेल से लगाएं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ईश्वर की सारी नियमते हैं, हमने वो करना है जो हमारी पॉकेट हमारी जेब अलाउ करे, जितनी हमारी हिम्मत है। आस्था का उससे कोई संबंध नहीं है, आप सरसों के तेल से लगा रहे हैं मगर नियम पूरे मान रहे हैं, आप किसी तरह का नशा पता कोई मीट अंडा नहीं खा रहे हैं, तो आपकी आस्था ज्यादा मजबूत है। दिन में जितनी बार समय मिले उतनी बार नित्यनियम का पाठ कीजिए, वो आस्था ज्यादा मजबूत है। आप देसी घी की लगा रहे हैं मगर बाहर जाके नियम भंग कर रहे हैं, तो वो आस्था कमजोर है। तो एक तो ये कि किसी तरह के भी घी के या तेल की
सरसों का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, घी इस्तेमाल कर सकते हैं, शुद्ध घी इस्तेमाल कर कुछ भी कर सकते हैं अपनी जेब के अनुसार, मगर आपकी कमाई का ज्यादा बड़ा अधिकार आपके बच्चों की शिक्षा पे। ये अखंड प्रकाश गुरु के शब्द को ही हम डिफाइन कर रहे हैं, वो जो अंधेरे से रोशनी में लाता है, ये उसी को सिंबलाइज करते कर रहे हैं। एक इसमें शंका थी, सवालात था, लोगों के सवाल थे कि औरतें बेटियां, तो बेटी बहन माँ बहू कोई भी अखंड प्रकाश कर सकता है, किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं है। ये प्रतिबंध केवल ब्राह्मणों में है, जो कहते हैं कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी सब ताड़न के अधिकारी, मगर हम हमें जो हुक्म है उस परमेश्वर का वो है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, इसलिए माँ भी कर सकती है, पिता भी कर सकती है, बेटी भी कर सकती है, बेटा भी कर सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं। मगर वैसे ही शुद्ध होके अपने आप को नहा धो के हाथ साफ सुथरे करके फिर उस अखंड प्रकाश के पास जाना। तो ये अखंड प्रकाश को लेके जो शंकाएं थी लोगों की, कुछ शंकाएं थी और कुछ इसको नियम समझ लीजिए कि जो मैंने कहे कि घर को साफ करें, मन को साफ करें, मीट अंडा नहीं खाएंगे और कुछ भी ऐसा कोई ना करे। और एक अंतिम बात कि वाल्मीकि प्रगट दिवस वाले दिन कोई भी व्रत नहीं रखेगा। आप पूर्णमासी का व्रत रखते हैं या परचेतावार का व्रत रखते हैं, और कुछ लोग वाल्मीकि प्रगट दिवस पे चार व्रत रख लेते हैं, तो चार अगर रखने हैं तो पांच दिन पहले से शुरुआत कीजिए। पांच दिन पहले से वो होगा 16 आस्था यानी 16 अक्टूबर, आप तब से शुरू कीजिए। मगर जो 20 अक्टूबर है, 20 आस्था है, उस दिन हम व्रत नहीं रखेंगे। कारण कोई लोग सुबह ही प्रसाद लेके मत्था टेकने आते हैं और मैं उनसे कहूं कि मेरा व्रत है, मैंने नहीं लेना। एक को कहा, दूसरे को कहा, आखिर मेरी आत्मा मुझे कहेगी कि मैं वाल्मीकि प्रगट दिवस वाले दिन, और जो लोग वाल्मीकि अनंत में आ रहे हैं प्रसाद लेके, मैं उनको बार बार ना कर रहा हूं। और मंदिर कमेटियां उसका प्रसाद का इंतजाम करती हैं, शबरी भोग का इंतजाम करती है, जिसको आप लंगर कहते हैं, तो उसके अनुसार हमें काम करना है। इसलिए व्रत वाल्मीकि प्रगट दिवस वाले दिन नहीं रखा जाएगा। इन शब्दों के साथ जय वाल्मीकि।